हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा भारत पर्वत त्योहारों का देश है, जहां हर साल कई तरह के त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इनमें से दीपावली, होली, दशहरा, ईद, बैसाखी, छठ पूजा और गणेश पूजा। लेकिन आज वैसे उत्साह और उमंग आज के त्यौहारों पे देखने को नहीं मिलते दोस्तों, जैसे 90 के दशक में मिला करते थे। उस दौर में छोटे से भी परवाने पर लोग इसे मनाने के लिए उत्साहित हो जाते थे, खास करके उस दौर के बच्चे। कुछ दिन पहले से ही कोई भी त्यौहार आती तो उसे मनाने लग जाया करते। विशेषकर होली, ये पर्व तो सबसे ज़्यादा खुशी और उमंग वाली होती थी। 90 के दशक में अगर होली आने में 10 या 15 दिन भी बाकी होती तो गांव के बुजुर्गों से लेकर युवा तक सभी लोग गांव में किसी एक जगह बैठकर ढोलक झाली लेकर होली के गीत तथा बीरा के गीत गा गा कर खूब झुमा करते थे। जिस दिन स्कूल में होली की छुट्टी की आखिरी दिन होती, उस दिन ही हम लोग सारे छात्र और छात्राएँ मिलकर स्कूलों में खूब होली खेला करते थे। और जो बच्चा रंग लगाने से मना किया करता, उसे हम लोग जानबूझकर रंग लगाते थे। और जब होली का दहन आने में 5 या 6 दिन बाकी होती तो हम लोग गांव के कुछ लड़के सभी के घर घर जाकर गोईठा यानी उपले मांगा करते थे, वो भी कुछ इस तरह से, और बोला करते थे, देदा जजमानी तो सोने की कवाड़ी, 5 गो गोईठा दा। तब हम लोग मांगकर उस सारे उपले को होलिका दहन की जगह जमा किया करते थे। और जो नटखट बच्चे होते वो दूसरों को दीवार में लगे गोईठे को उखाड़ कर वहाँ पर जमा किया करता था। और जहाँ हम लोगों को सूखी बाँस या जलने वाली कुछ भी दिखाई देती थी तो उसे चुरा कर हम लोग उसी जगह रख दिया करते थे जहाँ पे होलिका दहन होने वाली होती। होलिका दहन के एक दिन पहले ही हम लोगों के लिए मम्मी बाज़ारों से रंग और पिचकारी खरीद लिया करती थी। उन दिनों हम लोगों को कुछ ऐसे ही पिचकारी मिला करती थी दोस्तों, क्योंकि ये आसानी से चलती थी और सस्ती भी आती थी। नहीं तो बोतल में डालने वाली पिचकारी भी उन दिनों हम लोग खरीदा करते थे। साथ ही उन दिनों बंदूक वाली पिचकारी भी आया करता था, और नहीं तो ऐसी लोहे वाली। अब बात करते हैं रंगों और गुलाल की, तो उन दिनों आज की तरह केमिकल वाली और इतनी महंगी रंग गुलाल नहीं आते थे। उस समय 1 रुपये के 4 पैकेट रंग आ जाया करते। 90s में हम लोग कोई रंग खरीदे या ना खरीदे, लेकिन ये वाइट वाला कलर ज़रूर खरीद लिया करते थे, क्योंकि ये रंग किसी को लगा देने पर उसके चेहरा चमकने लग जाता था और चांदी के समान उजली हो जाती। ये कलर बहुत मुश्किल से छूटती थी। और आप लोग को याद है दोस्तों, जिस दिन होली का दहन होती उस दिन हम लोग अपने दोस्तों के साथ इसकी पूजा के लिए खेतों तरफ जाया करते थे, और वहाँ से नीम के पत्ते, गेहूं की बालियाँ, चने तथा एक लंबी रेड का पेड़ काटकर लाया करते थे। और घर लाकर हम लोग इसके ऊपर सभी एक साथ बांध दिया करते थे। इसी दिन मम्मी होलिका में डालने के लिए कुछ पकौड़े बनाया करती थी, क्योंकि ये गांव में रिवाज होती थी। जैसे ही शाम होती हम लोग अपने दोस्तों के साथ होलिका दहन के लिए समाज से निकले झूमटे में शामिल हो जाया करते, और वहाँ नाचते गाते होलिका दहन के पास जाया करते थे। वहाँ गांव के बुजुर्ग लोग पहले तो थोड़ी सी पूजा किया करते, जब उसमें आग लगाई जाती तब हम लोग घर से लाए गए सामान को आग में हल्का पकाया करते, और वहीं पे थोड़ी खाते और कुछ घर लेकर आया करते थे। शायद आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि कहीं कहीं तो होली के दिन 2 तरीक़ों से होली खेली जाती है। पहली होली कीचड़ और मिट्टी से, जो सुबह से लेकर दोपहर तक खेली जाती है, और फिर उसके बाद रंगों और गुलाल से, जो दोपहर के बाद। हम लोग सुबह उठकर ही सारे दोस्त मिलकर मिट्टी घोला करते और एक किसी प्लास्टिक के डब्बे में लेकर होली खेलने निकल पड़ते थे। जो दोस्त नज़र आता उसे हम लोग सर से लेकर पाँव तक मिट्टी लगा दिया करते थे, सिर्फ उसकी आँखें नज़र आती थी। इस दिन हम लोग खूब मस्ती किया करते थे। कुछ बच्चे तो अपने कमज़ोर दोस्तों को उठाकर नाले में डाल दिया करते। साथ ही इस होली में हम लोग सभी के शर्ट और पैंट फाड़ भी देते थे। फिर हम लोग बड़े लोगों को पैर में मिट्टी लगाकर आशीर्वाद लिया करते। फिर हम लोग वहाँ से जाकर जली हुई होलिका दहन के पास जाते और सारे शरीर में वहाँ के राख लगा लिया करते थे। फिर किसी तालाब और कुएं में जाकर नहाया करते थे।
पहली होली ख़त्म होने के बाद हम लोग दूसरे होली खेलने के लिए तैयार हो जाया करते। उस समय हम लोगों को नए पैजामे कुर्ते नहीं खरीदे जाते थे, पुराने कपड़े ही पहनकर हम लोग होली खेला करते, लेकिन एक नई टोपी ज़रूर खरीद लिया करते थे। इस दिन हम लोग पान भी खाया करते, फिर पैकेट में रंग और अबीर लेकर दोस्तों के साथ होली खेलने निकल पड़ते थे। इस दिन हम लोग दिन भर होली खेलते, जिसका चेहरा साफ दिखता उसको हम मुंह पे हम लोग रंग लगा दिया करते थे। होली के दिन हम लोग गांव के सभी घरों में जाते और वहां जा जाकर सभी बड़े लोगों को पैर में अबीर लगाकर आशीर्वाद लिया करते थे तथा छोटे को गालों पर लगाकर होली खेलते। इस दिन मम्मी लोग घर में ज़रूर से ज़रूर गुजिया, पकौड़े और न जाने कितने तरह के चीज़ें बनाया करती थी। आज की तरह उन दिनों भी होली के दिन लोग शराब पिया करते थे, लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी आज हो जाती है। आज तो लोग छोटा मोटा बात पे लोग तुरंत लड़ाई कर लेते हैं। होली के बाद एक और होली होती है जिसे हम लोग अपने भाषा में बुढ़वा होली कहते हैं। नाम तो इसका बुढ़वा होली है दोस्तों, लेकिन यह होली हम लोग भी खूब खेला करते थे और आज भी खेलते हैं। इसी दिन गाँवों में कहीं कहीं मटका फोड़ने का प्रोग्राम भी किया जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि ये सब चीज़ें तो अभी भी होती है, तो हाँ दोस्तों, ये सभी रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें अभी भी होती है हम सबों को गाँव में, लेकिन वो बचपना नहीं रहा, वो उत्साह नहीं रहा और नहीं वो ललक जो हम लोग के बचपन में हुआ करता था। सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।